जय श्री राम दोस्तों, 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का हम सभी इंतजार कर रहे हैं। इस पावन पर्व पर हम बनाएंगे महाप्रसाद। ये प्रसाद सभी अपने घरों में 22 तारीख को ज़रूर बनाएं। मैंने इसे महाप्रसाद क्यों कहा है ये आगे जानेंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक छलनी में एक कटोरी नॉर्मल चावल लिए हैं। इसी कटोरी से चौथाई कटोरी मूंग दाल ली है। अब इन्हें 2 से 3 बार धोना है। मैंने इन्हें अच्छी तरह धो लिया है। मैंने चावल दाल को एक कुकर में डाल लिया है। मैं इस प्रसाद को कुकर में बना रही हूँ, बिना कुकर के भी बना सकती हैं, पर उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अयोध्या धाम से जो पावन पवित्र पीले चावल आए हैं, उसी में से मैंने थोड़े चावल लेकर इसमें डाले हैं। मुझे 2 पैकेट मिले हैं, तो 1 पैकेट से थोड़े चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि आप सब भी इनका सही उपयोग करके लाभ ले सकें। अब आप भी जान गए हैं कि मैंने इसे महाप्रसाद क्यों कहा है। जिस कटोरी से चावल लिए हैं, उसी कटोरी से 4 कटोरी पानी लिया है, यानी चावल से 4 गुना। इस पर ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 2 सीटी लगानी है। 2 सीटी लग चुकी है, कुकर थोड़ा ठंडा हो गया है। चम्मच से मिक्स करके देख सकते हैं चावल दाल पक गए हैं। इसी में 1/4 कटोरी फुल क्रीम दूध डालकर मिक्स करना है। मैंने दूध एक साथ नहीं डाला है, 2 बार में डाला है। दूध अच्छी तरह मिक्स हो गया है, मिश्रण गर्म हो गया है। अब इसी में 1/4 कटोरी बारीक कुटा गुड़ और 10-12 केसर के धागे डालकर गुड़ अच्छी तरह मिक्स होने तक लो फ्लेम पर पकाना है। गुड़ की मात्रा चावल दाल के बराबर ही लेनी है। गुड़ बारीक किया हुआ है तो आसानी से मिक्स हो जाएगा। इस प्रसाद को कई तरीकों से बनाया जाता है, मुझे यही तरीका पसंद है। गुड़ लगभग मिक्स हो गया है, थोड़े बहुत टुकड़े ही बचे हैं। अब इसमें 2 चम्मच घी डालकर मिक्स करना है। गुड़ भी घुल मिल गया है, अब फ्लेम बंद करनी है। मैंने एक तड़का पैन में 4 चम्मच घी डालकर गरम कर लिया है। अब इसमें 3 चम्मच काजू टुकड़ी, 1 चम्मच किशमिश और 1 चम्मच सूखे नारियल की स्लाइस डालकर काजू थोड़े सुनहरे होने तक सेकना है। काजू, किशमिश और नारियल सीधा भी डाल सकते हैं, पर इस तरह से घी में सेक कर डालने से बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। काजू सीख गए हैं, इन्हें तैयार प्रसाद में डालकर मिक्स करना है। यकीन मानिए, इस महाप्रसाद के आगे 100 पकवान भी फीके लगेंगे। मुंह में घुल जाने वाला महाप्रसाद तैयार है। आप सभी को जय श्री राम।